हेलो गाइस, मेरा नाम विजय। तो गाइस, आज इस वीडियो अनबॉक्सिंग करूंगा शाओमी के लेटेस्ट मी बैंड 5 की, जो कि सक्सेसर है शाओमी के मी बैंड 4 का लास्ट जनरेशन के। तो ये डिवाइस आता है एक बड़ी डिस्प्ले के साथ में, और यहाँ पे बहुत ही सारे इंप्रूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि इम्प्रूव एक्यूरेसी। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा इसी मी बैंड 5 स्मार्ट वॉच के अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस स्मार्ट वॉच की दुबई की प्राइसिंग और इंडिया की लॉन्च डेट। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये है बॉक्स शाओमी के मी स्मार्ट बैंड 5 का, जिसमें कि सामने की तरफ हमें यहाँ पे मिलती है ब्रांडिंग मी बैंड 5 की, और यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड में बैंड के कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है, जैसे कि ये मल्टी स्पोर्ट मोड ट्रैकिंग, मैग्नेटिक चार्जिंग, ऑल्ट स्लीप ट्रैकिंग, और ये 14 डेज बैटरी लाइफ स्पेसिफाई कर देता है। तो जल्दी से इस बैंड को अनबॉक्स कर देते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या कंटेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमें सबसे पहले मिलता है इसी बैंड का एक मैग्नेटिक कनेक्टर, जो कि इस बैंड को चार्ज कर देगा, अनलाइक द लास्ट जनरेशन जहाँ पे आपको अपने बैंड को प्लेस करना पड़ता था इसके कनेक्टर के साथ में। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें मिलता है वो मिलता है अपना मी स्मार्ट बैंड 5, जिसे देखते हैं साइड में, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या है। तो लास्टली यहाँ पे हमें कुछ पेपर वर्क्स मिल जाते हैं इसी स्मार्ट बैंड के अंदर। तो गाइस, ये शाओमी का मी बैंड 5, जो कि आता है इस नई 1.1 इंच की डिस्प्ले के साथ में, एज कम्पेयर टू द 0.95 इंच डिस्प्ले ऑन द मी स्मार्ट बैंड 4। और गाइस, लुक्स की अगर बात करूं तो ये डिवाइस लास्ट ईयर की तरह ही बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, जहां पे स्ट्रैप यहां पे सिलिकॉन की मिल जाती है हमें, और एक बहुत ही प्रीमियम सा लुक दे देती है, और बहुत ही एक सिंपल सा डिवाइस ही लगता है। तो बैटरी की अगर बात करें तो ये डिवाइस आता है एक 125 मिली एम्पावर ली पॉलीमर बैटरी के साथ में, जहां पे शाओमी कहता है कि ये डिवाइस आपको 14 डेज की बैटरी लाइफ दे देगा ऑन टिपिकल यूजेज। तो अनलाइक लास्ट जनरेशन, आपको इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए इसके स्ट्रैप्स इसको अलग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे शाओमी ने इस बार इसको बहुत ही ज्यादा सिंपल कर दिया है, जहां पे हमें मिलता है एक मैग्नेटिक कनेक्टर, जिसे यहाँ पे इस तरह कुछ लगा के आप इस डिवाइस को बहुत ही ज्यादा इजीली चार्ज कर सकते हैं, विच इज क्वाइट। वाटर रेजिस्टेंसी की बात करूं तो ये डिवाइस आता है 580 mAh वाटर रेजिस्टेंसी के साथ में, जहां पे शाओमी कहता है कि ये डिवाइस अप टू 40 मीटर तक 30 मिनट्स तक वाटर में सर्वाइव कर सकता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस, डिवाइस को रन करने के लिए जस्ट लाइक द प्रीवियस जनरेशन आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन के साथ में, जहां पे मैं इसको अपने स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर चुका हूं। तो गाइस, सबसे पहले तो यहां पे कुछ नए फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल 11 स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, एज कम्पेयर टू द 6 स्पोर्ट्स मोड्स ऑन द मी बैंड 4 ऑफ लास्ट जनरेशन। तो यहाँ पे हमें कुछ नए स्पोर्ट्स मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि ये आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल, साइकिलिंग, इंडोर रनिंग वगैरह वगैरह। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं बहुत सारे नए स्मार्ट फीचर्स इसी वॉच के लिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अपने फोन में। तो यहाँ पे इस स्टोर के अंदर क्लिक करके आपको बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स मिल जाएंगे इसी वॉच में, कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि आप। तो जैसे कि मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे ये सिंक हो जाएगा आपकी वॉच के साथ में, और ये अपडेट हो जाएगा आपकी वॉच में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अभी सिंक हो रहा है, एंड देन आप अपनी वॉच में इसको अपडेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे स्मार्ट फेसेस के अवेलेबल हैं इसी वॉच के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आप इसके वॉच के फेस से कभी बोर नहीं होंगे, बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अपने फोन के अंदर इसको कस्टमाइज करने के लिए। और गाइस, कुछ नए फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे इस बैंड के अंदर हमें मिल जाती है एक इम्प्रूव्ड स्लीप ट्रैकिंग, और ये डिवाइस ट्रैक कर सकता है आपका ब्लड ऑक्सीजन विद द SpO2 ट्रैकर एंड द विमेन हेल्थ ट्रैकिंग विच ट्रैक्स द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो गाइस, ये थी इसी मी स्मार्ट बैंड 5 की अनबॉक्सिंग, और इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करे कुछ इसके नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स। और यहाँ पे अगर इस बैंड की दुबई की प्राइसिंग की बात करूँ तो ये स्मार्ट बैंड दुबई में कैली मी पे अवेलेबल है एट अराउंड 150 dirham, विच इज अराउंड व्हेन वी कन्वर्ट इट टू द इंडियन रुपीस, तो यहाँ पे ये निकल के आता है 3,075 rupees, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है इस मोमेंट पे, बट ये नया लॉन्च हुआ है अभी, तो नए लॉन्च पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्राइस यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसके होलसेल प्राइस की, तो अगर आप यहाँ पे एक से ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करते हैं तो ये स्मार्ट बैंड आपको पड़ेगा अराउंड 130 dirham का, विच इज अराउंड 2,665 rupees, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्राइस है इसी नए मी स्मार्ट बैंड 5 का, विच इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ द मी स्मार्ट बैंड 4। और यहाँ पे बहुत ही जल्दी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बैंड इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस, ये थी अनबॉक्सिंग इसी नए मी बैंड 5 स्मार्ट वॉच की। तो एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है और आता है बहुत ही अच्छे इम्प्रूवमेंट्स के साथ में, जैसे कि ये नया मैग्नेटिक कनेक्टर इसी मी बैंड को चार्ज करने के लिए,
तो यहाँ पे डिस्प्ले में भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं, और अगर बात करते हैं एक्यूरेसी की तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूरेट है ये डिवाइस। और अगर इसे हम कंपेयर करते हैं स्मार्ट वॉचेस से भी तो ये डिवाइस आपको सारे ही फीचर्स ऑफर कर देता है जो कि एक स्मार्ट वॉच ऑफर करता है। तो अगर इसे कंपेयर करते हैं फॉर एग्जांपल इस Amazfit BIPS स्मार्ट वॉच के साथ में, तो ये डिवाइस आपको सारे ही फीचर्स ऑफर कर देता है जो कि आपको Amazfit का स्मार्ट वॉच ऑफर करेगा। तो एक छोटी डिस्प्ले लेकिन सारे ही फीचर्स आपको ये डिवाइस ऑफर कर देता है एट एन अफोर्डेबल प्राइस, तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा चॉइस है। और अगर बात करते हैं इस डिवाइस के इंडिया की लॉन्च की, तो इंडिया में इस डिवाइस का लॉन्च एक्सपेक्टेड है सितंबर में, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में भी आ सकता है, लेकिन अगर Xiaomi की हिस्ट्री को देखें तो सितंबर में लास्ट टाइम Mi Band 4 लॉन्च हो चुका था जो कि ग्लोबल मार्केट्स में अवेलेबल हो गया था जून में, तो इस बार ये डिवाइस भी जून में ही अवेलेबल हो गया था ग्लोबल मार्केट्स में। तो इंडिया में लॉन्च बहुत ही जल्दी सितंबर के मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी चल रहा है जुलाई, तो सिर्फ 2 महीने रह गए हैं इस बैंड को इंडिया में अवेलेबल होने के लिए। तो गाइस विद दैट सेड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड देन मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।